नमस्कार दोस्तों, कृष्णा एकेडमी के पैरामेडिकल क्लासेस के पहले वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि ओडिशा की जो है लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी जो है वो आ चुकी है, उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं, प्लस यूपी एमपी और अदर स्टेट्स की भी एनएचएम की जो वैकेंसी है लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की वो भी आउट हो चुकी है, प्लस राजस्थान की वैकेंसी जो है वो भी अपकमिंग है, वो आने ही वाली है। तो ये जो एग्ज़ाम होंगे वैकेंसी के लिए, जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है सीपीके, क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज जो है एक्टिविटी इज हाइयर। क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज की एक्टिविटी के बारे में आपसे पूछा गया है। तो सीपीके क्या होता है? सीपीके जो है वो एक टाइप का एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम जो क्या काम करता है, ये काम करता है फॉस्फोक्रिएटिन जो होता है अपनी बॉडी में, फॉस्फोक्रिएटिन उसको क्रिएटिनिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है जी, ये सीपीके ये फॉस्फोक्रिएटिन को क्रिएटिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और ये जो है सीपीके, इसके दो सब टाइप होते हैं, एम और एस, सॉरी एम और बी, तो ये दो सब टाइप होते हैं और इसी एंजाइम के तीन आइसो एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? तीन आइसो एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से होंगे? सी पी के वन, सी पी के टू और सी पी के थ्री। इन तीनों को हम सी पी के वन को बी बी, मतलब ये बोन से रिलेटेड है, और टू को एम बी और थर्ड जो है उसको एम एम कहते हैं। सी पी के वन या सी पी के बी बी जो है वो किस कंडीशन में राइज अप होता है अपनी बॉडी में? जब ब्रेन से रिलेटेड कोई इशू हो, ऐसी कंडीशन में क्या होता है? सी पी के वन या सी पी के बी बी जो है वो राइज अप होता है। और सी पी के एम बी जो है वो किस से रिलेटेड है? वो है आपका हार्ट से रिलेटेड। तो जब हार्ट अटैक वगैरह हो या मसल्स की किसी तरह की डिस्ट्रोफी हो तो ये जो है हार्ट वाला ये ज़्यादा काम में आता है। और सी पी के एम एम जो है वो किससे रिलेटेड होता है? वो रिलेटेड होता है मसल से। तो हमारा जो क्वेश्चन है क्या है, सी पी के जो है वो एक्टिविटी हाईएस्ट किस में होती है? तो हाईएस्ट पूछा है आपसे। यदि वो सी पी के बी भी पूछता तो ब्रेन होता, एम बी पूछता तो हार्ट होता, और एम एम पूछता तो मसल्स होता। बट इसमें कुछ भी स्पेसिफिक आपसे नहीं पूछा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये ब्रेन में भी एक्टिव होता है, ये हार्ट मसल्स में भी एक्टिव होता है और स्केलेटल मसल्स में भी एक्टिव होता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फोर्थ वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट आर द ओंकोजीन्स? ओंकोजीन्स क्या होते हैं? ओंको को सीधा सीधा मतलब होता है कैंसर। ठीक है जी, ओंको का मतलब हो गया कैंसर। तो ऐसे जीन जो कैंसर या फिर ट्यूमर के डेवलपमेंट को इंक्रीज करे, ट्यूमर के डेवलपमेंट को क्या करे? इंक्रीज करे, वो क्या कहलाएंगे? ओंकोजीन्स। तो अपना पहला का ऑप्शन क्या हो गया कि ओंकोजीन्स आर द जीन्स कैपेबल फॉर कॉजिंग कैंसर। कैंसर की बात हो गई है यहाँ पे, कॉजिंग कैंसर, तो ये अपना जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन की बात करें, ओंकोजीन्स आर कैपेबल फॉर कॉजिंग हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस नहीं होगा, और बेनजीन्स और ये ऑल ऑफ दिस, वो ये फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। पहला ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओंकोजीन्स क्या इंडक्शन करते हैं? ट्यूमर के डेवलपमेंट को इंडक्शन करते हैं और उसको डेवलप करने में मदद कराते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन एस। तो हीमोग्लोबिन एस जो है उसकी एबनॉर्मेलिटी की वजह से कौन सी डिजीज होती है? तो एस एस यहां पे आप ध्यान रखें, एस से आप याद रख सकते हैं सिकल सेल एनीमिया। ठीक है जी, एस एस से आप ध्यान रख सकते हैं सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, जो आरबीसी की नॉर्मल शेप होती है राउंड शेप, उसकी जगह क्या होती है वो
आरबीसी की बायकॉनकेव होती है, राउंड, मतलब आप राउंड मान सकते हैं, बट उसकी जगह पे क्या होती है, जो आरबीसी की जो शेप है वो सिकल की जैसे हो जाती है, कुछ इस तरीके की। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, सिकल सेल। तो जो ऑप्शन नंबर है अपना एस का, हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के लिए, तो वो क्या हो जाएगा आपका, सिकल सेल एनीमिया, ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैंसर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल का कैंसर इनमें से कौन सा है? तो व्हाइट ब्लड सेल के कैंसर में एक्चुअल में होता क्या है, यदि हम इसके कैंसर की बात करें, तो उसमें होता क्या है कि जो WBC है, WBC का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है बहुत ज़्यादा। जो नॉर्मल रेंज होती है WBC की, वो क्या होती है, 4,000 से 11,000 के बीच में होती है, बट इसमें क्या होता है, ये जो रेंज है ये 50,000 के अबव चली जाती है, 50,000, 40,000 और उससे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुल मिलाकर कहने की बात है, WBC का जो नंबर है वो बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं, और इसी को हम ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यदि हम बात करें बाकी अदर ऑप्शन की, तो एनीमिया क्या होता है, एनीमिया वो कंडीशन है जिसमें हीमोग्लोबिन जो है वो अपनी बॉडी में कम हो जाए, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया की मैंने पहले वाले इससे प्रीवियस क्वेश्चन में बात करी। जो आरबीसी की शेप है वो कैसी हो जाएगी, सिकल शेप हो जाएगी। और हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया जो होता है एक एक प्रकार की डिजीज़ है, जिसमें क्या होता है कि ब्लड जो क्लॉटिंग का सिस्टम रहता है उसमें थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी आ जाती है, और जो यदि जो ब्लड जो है वो क्लॉट नॉर्मल वे से नहीं होता है, और किसी भी तरह की इंजरी होने पे पेशेंट में क्या होता है, मैसिव ब्लड लॉस हो जाता है, तो ये क्या होता है, हीमोफीलिया। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट व्हाट डिटरमाइंस द ब्लड टाइप ऑफ पर्सन। ब्लड टाइप क्या होता है, ब्लड टाइप या ब्लड ग्रुप, ऐसी क्या चीज है जो ब्लड टाइप या ब्लड ग्रुप को किसी भी पर्सन के ब्लड ग्रुप को डिफाइन करती है या डिटरमाइन करती है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो अपनी आरबीसीज होती है, ये जो अपनी आरबीसी है उनका जो सरफेस होता है, सरफेस के ऊपर कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो हैं वो क्या पाए जाएंगे, एंटीजन, क्या पाए जाते हैं, एंटीजन। तो ये जो एंटीजन्स हैं वो किसी भी पर्सन के ब्लड ग्रुप को डिफाइन करते हैं, ठीक है, और इसके कोरिस्पोंडिंग जो एंटीबॉडीज है वो कहाँ पाई जाएगी, एंटीबॉडीज जो है वो पाई जाएगी प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, तो अपना ऑप्शन क्या है, पहला एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा, नहीं ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, और सेकंड है एंटीबॉडीज ऑन द आरबीसी सरफेस। देखिए आरबीसी सरफेस की बात तो की गई है यहाँ पे, बट क्या बताया गया है, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज नहीं होती है सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे एंटीबॉडीज नहीं होती, कहाँ होती है, प्लाज्मा के अंदर होती है। ठीक है, एंटीजन ऑन द आरबीसी सरफेस, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, एंटीजन कहाँ है, आरबीसी की सरफेस के ऊपर है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, एंटीजन इन द प्लाज्मा, एंटीजन नहीं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, तो वो है, अ पर्सन विथ ब्लड टाइप ए बी कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। एक आदमी है, एक व्यक्ति है, और उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी, उसको ब्लड की जरूरत है, तो वो कौन से ग्रुप से ब्लड रिसीव कर सकता है, मतलब क्या हुआ, ए बी वाला जो है वो क्या होगा, रेसिपिएंट हो गया, इस केस में रेसिपिएंट है। ठीक है, अब यदि हम बात करें रेसिपिएंट जो है ये किससे ब्लड ले सकता है, तो ए बी वाला ग्रुप जो है इसके जो आरबीसी है उसके सरफेस पे कौन कौन से एंटीजन पाए जाएंगे, ए और बी। इसी के साथ जो इसकी प्लाज्मा की बात करें, इसके प्लाज्मा में क्या पाया जाएगा, इसकी प्लाज्मा में एक एंटीबॉडी जो है वो एब्सेंट होगी। ठीक है जी, एंटीबॉडी क्या होगी, एबसेंट, मतलब ना तो ए वाली एंटीबॉडी है ना बी वाली एंटीबॉडी है, तो क्या हो गया कि कोई सा भी ब्लड चढ़ाओ इसको,
इसको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी, क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी इसके पास है ही नहीं। तो इसलिए क्या होगा, ए बी जो है वो किससे ब्लड ले सकता है, वो ए से भी ले सकता है, वो बी से भी ले सकता है और वो ओ से भी ले सकता है। ऑल ऑफ दिस अब आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि इसीलिए जो ए बी ग्रुप है, ए बी का जो ग्रुप है उसको क्या कहा जाता है, उसको उसको कहा जाता है यूनिवर्सल यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है, ए बी। और डोनर कौन सा है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, यूनिवर्सल डोनर की यदि हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका ओ ग्रुप, ठीक है। ओ ग्रुप क्यों होगा, क्योंकि इसके जो सरफेस होगा आरबीसी का जो सरफेस होगा उस पर किसी भी तरीके का एंटीजन, वो जो है एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या होता, ये क्या करेगा, वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है कलर, कलर ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट। देखिए जी, ब्लड जो है उसमें क्या होता है, आरबीसी, ठीक है। आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन का कलर, ब्लड का कलर किस तरीके का होता है, रेड, जिस किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। तो सीधा सीधा बहुत ही सरल सा आपका क्वेश्चन है कि कलर ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट क्या हो जाएगा, रेड, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो जब ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के मदद से जब हम अंदर इनहेल करते हैं तो वो क्या होती है, वो जाती है लंग्स में, ठीक है। लंग्स से क्या होता है, वो जाते हैं टिश्यूज तक। तो उसको ले जाने का काम कौन करता है, उसको ले जाने का काम करता है आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आई, बड़ी ही सिंपल सी, बहुत ही आसान सी प्रोसेस है। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यू, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही कुछ होता है। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं हम, कैरी ब्लड फ्रॉम द लंग्स, ब्लड को थोड़ी ना ले जाता है, ये तो ब्लड के अंदर है खुद ही, ठीक है। कैरी सोडियम फ्रॉम द मसल्स टू टिश्यू, बिल्कुल ये भी नहीं है, और ऑल ऑफ द इस अबव तो हो ही नहीं सकता। तो पहला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो वो है व्हाट इज द नॉर्मल अपीयरेंस ऑफ सी एस एफ क्या होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहाँ पे होगा, आपके आपके ब्रेन में होगा, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन में और कहाँ होगा, स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड में। तो और इसकी एक और स्पेसिफिसिटी, ये क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेट किसका होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट होगा ये प्लाज्मा का, ठीक है जी। अल्ट्रा फिल्ट्रेट किसका होगा, यदि क्वेश्चन आ जाए सीएसएफ इज अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ डैश प्लाज्मा प्रोटीन और इस तरह का ऑप्शन आ जाए तो ये किसका अल्ट्रा फिल्ट्रेट होगा, वो होगा प्लाज्मा का, ठीक है। और यदि हम इसके नॉर्मल कंडीशन की बात करें, यदि ये नॉर्मल कंडीशन में है तो उसमें किस तरह की संरचना या किस तरह की मॉर्फोलॉजी हमको देखने को मिलेगी, वो मिलेगी नॉर्मल कंडीशन में यदि सीएसएफ निकाला गया है तो वो होगा क्लियर और ट्रांसपेरेंट। मतलब क्या हुआ, आप उसके आर पार देख सकते हैं, और क्लियर मतलब बिल्कुल साफ, ठीक है। क्लियर और ट्रांसपेरेंट नॉर्मल कंडीशन में होगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, नॉर्मल अपीयरेंस, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो कि है क्लियर। यदि हम येल्लो की बात करें, येल्लो किस कंडीशन में होगा, जब बिलरुबिन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो और वो सीएसएफ में पहुंच गया हो, तो ऐसी कंडीशन में जो उसका कलर है वो येलोइश दिखेगा। और रेड की यदि हम बात करें, किसी तरह का हेमरेज हो, किसी तरह की चोट लगी हो या किसी तरह का ब्लड क्लॉट हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है वो रेड दिखेगा। और क्लाउडी की बात करें तो क्लाउडी जो है वो कब दिखेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन यदि है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपका जो सीएसएफ है वो क्लाउडी अपीयरेंस में दिखाई देगा, ठीक है। जैसे बादल घने होते हैं उस तरीके से डेंस और कुछ घनापन आपको उसमें दिखाई देगा, किसमें, सीएसएफ के अंदर। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फिक्सेटिव प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन, फिक्सेटिव का इंपॉर्टेंट रोल आपसे पूछा गया है। फिक्सेटिव क्या होते हैं, फिक्सेटिव ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो
टिश्यू या ऑर्गन जिसको हमने बॉडी से सर्जिकली रिमूव किया है उसको उसकी नेचुरल कंडीशन में या नेचुरल मॉर्फोलॉजी में बनाए रखने में मदद करता है। मतलब क्या हुआ, जैसे हमने कोई अपेंडिक्स जो है सर्जरी के थ्रू रिमूव करी, ठीक है, अपेंडिक्स जो है वो सर्जरी के थ्रू आउट ऑफ बॉडी करी, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या वो ऑटोलाइज होना शुरू हो जाएगा, ऑटोलाइज मतलब सड़ना गलना शुरू हो जाएगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुई, इसकी नॉर्मल जो मॉर्फोलॉजी है वो उसकी बिगड़ जाएगी। बट हमको क्या चाहिए, हमको ये जो टिश्यू है वो हमें अपनी हिस्टोपैथ की लैब तक पहुँचाना है, ठीक है, हिस्टोपैथ की लैब तक पहुँचा के हम क्या करेंगे, इसकी मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ करेंगे। तो हमें इसकी मॉर्फोलॉजी को क्या करना है, प्रिजर्व करना है। तो इस ऐसी कंडीशन के लिए हम इस बीच प्रोसेस में क्या यूज़ करते हैं, फिक्सेटिव, ठीक है जी, फिक्सेटिव का यूज़ करते हैं। फिक्सेटिव क्या करते हैं, इसके जो भी टिश्यू था उसकी नॉर्मल कंडीशन को मेंटेन करके रखते हैं। तो यही प्रोसेस जो है फिक्सेशन भी कहलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ सेल एंड टिश्यू कॉन्स्टेंट, सेल और टिश्यू के जो कॉन्स्टेंट है, जो भी माइक्रो जो स्ट्रक्चर्स है उनको क्या करता है, प्रिवेंशन, बिल्कुल सही बात है, संभाल के रखता है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, हार्डनिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, बिल्कुल सही बात है, जो सॉफ्ट टिश्यू है उसको हार्ड करता है ताकि वो अपन उसके प्रॉपर जो सेक्शन है वो ले सके, और प्रिवेंशन ऑफ द ऑटोलाइसिस, सड़ने गलने से बचाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सारी जो कंडीशन है, सर्कमस्टेंसेस है, इससे मैच आउट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्टीलोब न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन, मल्टीलोब न्यूक्लियस की यदि हम बात करें तो किस में पाई जाएगी, वो पाई जाएगी आपकी न्यूट्रोफिल में। किस में, न्यूट्रोफिल्स में। न्यूट्रोफिल्स में क्या होता है, ये आपकी न्यूट्रोफिल की संरचना है, ये तो रफली ड्रॉ किया है मैंने। इसमें क्या होता है, जो लोब्ड है किसके, न्यूक्लियस के, किसके लोब है, न्यूक्लियस के, वो मल्टी लोब। न्यूक्लियस जो है खंडों में विभाजित होता है और जुड़ा होता है, तो क्या होता है ये मल्टी लोब न्यूक्लियस, किसका किसकी स्ट्रक्चर है, वो है आपकी न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या होती है, एक टाइप की WBC होती है, वाइट ब्लड सेल का टाइप होता है। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है कि मल्टी लोब जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किसकी है, न्यूट्रोफिल्स की। यदि हम इओसिनोफिल की बात करें तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, बाइलोब्ड, बाइलोब मतलब स्पेक्टिकल शेप का दो लोब पाए जाते हैं, किसमें, इओसिनोफिल में। और मोनोसाइट की बात करें तो मोनोसाइट में क्या होता है, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस जो है वो किसमें पाया जाएगा आपका, मोनोसाइट में, कुछ इस तरीके का। ठीक है जी, तो ये कुछ इस तरीके का किडनी शेप जो है वो किसमें पाया जाएगा आपका, मोनोसाइट में। तो इस एक क्वेश्चन में क्या हो गया, आपके तीन क्वेश्चन बन गए, पहला मल्टीलोब्ड वाला और बाइलोब्ड, दूसरा बाइलोब्ड वाला या स्पेक्टिकल शेप वाला, और तीसरा आपका किडनी शेप्ड वाला। तो ये 10 क्वेश्चन जो है वो आपके पूरे हुए। और यदि आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी काम की लगी हो तो इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हम आने वाली वीडियोस में और भी MCQs की सीरीज़ लाने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें और अपनी तैयारी को प्रॉपर रखें, डेली आप जो है ये वीडियोज़ देखें और क्वेश्चन जो है इसमें सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।